हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वाले हैंगर पर ऑर्गेनाइजर बना के दिखाऊंगी। ये वेस्ट हैंगर है हमारा, जो बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन इस पर ऑर्गेनाइजर बनाएंगे ऊल के साथ। ये हमने मेहंदिया कलर लिया है, आपके पास जो कलर अवेलेबल हो या आपको पसंद हो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग में हम या तो हैंगर के नाप के ले सकते हैं चेन, इतना थोड़ा गैप हमें रखना है फूल वगैरह लगाने के लिए, तो या फिर हम 40 या 45 के समथिंग ले लेंगे तो वो सही आएगा नाप। बाकी हैंगर बड़ा है तो ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ये हमने 45 चेन ली है, देखिए थोड़ा सा रखना है हमें साइडों में बचा के। अब हम थर्ड वाली पे डालेंगे चेन पर, थर्ड वाली चेन पे डाल लेंगे तो एक हमारे पास आ जाएगा। अब हमें एक चेन लेनी है और एक चेन नीचे छोड़ेंगे और एक अगली में डाल लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर नेट बनाना है पूरा। एक चेन लेनी है और नीचे एक चेन छोड़नी है, तो ये नेट का डिजाइन तैयार हो जाएगा। इस तरह से एक चेन लेनी है, एक छोड़ देंगे नीचे। इस तरह से हमें जितनी लेंथ चाहिए उतना लेंथ में हम तैयार कर सकते हैं। लेंथ इसमें कितनी भी ले सकते हैं आप, छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। पूरे में ही नेट बनाना है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक चेन पूरी बना ली है, इस तरह से तैयार कर सकते हैं। पूरी जितनी लेंथ है उतना तैयार कर लेंगे कंटिन्यू, ऐसा ही बनेगा। तो चलिए पूरा तैयार कर लेते हैं, थ्री चेन लेके नेट ही बनाएंगे पूरा। एक ही चेन लेनी है, एक चेन वाला ही बना रहे हैं हम। आप चाहे तो दो चेन लेके बीच में नीचे भी फिर दो चेन छोड़नी है, या गहरा बनाना चाहें तो सिंगल डबल क्रोशिया कंटिन्यू बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नेट हमारा बन के तैयार है। इसके साइड में हमने डिजाइन लगाया है, ये सेम एक जगह 6 या 7 टाइम डालते हैं तो ये डिजाइन आ सकते हैं। बाकी हमने ये बहुत सारी जगह बना के दिखाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसमें पॉकेट लगानी बताएंगे आपको, पॉकेट किस तरह से लगानी है। आपको जहाँ जितना गैप छोड़ना हो साइड में छोड़ के जितनी बड़ी पॉकेट बनानी हो उस हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए पॉकेट लगाने के लिए धागा ऊपर से ही रखेंगे और ये हम दो छोड़ देंगे नीचे वाली, सबसे नीचे वाली रो में दो डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। तो दो के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से लेना है धागा।
और अब हम स्टार्ट कर लेंगे तेरी चेन से। ये धागा बाद में हम निकाल देंगे काके, इस तरह से उठा लेंगे यहाँ से, सारे इसी तरह से उठाएंगे पॉकेट के लिए। एक में दो डाल लेंगे डबल क्रोशिया, जो बीच का गैप है उसके एक में। ये देखिए ये बीच का जो गैप है इसमें दो डाल लेंगे एक बार में, एक लेंगे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पे एक बार। और आपको अगर गहरा बनाना है तो आप तीन बार डाल सकते हैं। इस तरह से हमें पूरी लाइन में जितनी दूर तक हमें पॉकेट बनानी है बनाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन में बना लेंगे हमें जहाँ तक पॉकेट चाहिए। तो ये देखिए हमारी इतनी बड़ी पॉकेट बनेगी। अब हम टर्न करके कंटिन्यू बनाते जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर तीन चेन ली, अब हम ये वाले दो छोड़ दें और यहाँ पर डालेंगे, ये वाले छोड़ देंगे यहाँ डालेंगे। यहाँ पर सेम एक ही जगह तीन डबल क्रोश ये बना लेंगे जिससे हमारी पॉकेट गहरी भी रहेगी और सही भी बनेगी। ये हमने तीन बना ली, अब हमें ये दोनों छोड़ देंगे क्योंकि हमें लूज करेंगे तो इकट्ठी सी हो जाएगी, तो ज़्यादा लूज नहीं रखनी हमें। इसमें एक चेन ले लेंगे और ये दोनों छोड़ देंगे और यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ये दोनों छोड़ के। सेम ऐसे ही बनाना है पूरा, फिर ये दो छोड़ देंगे नेक्स्ट। देखिए इस तरह से आ ये पूरा राउंड बनाएंगे ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से ये बना लेना है इतना। ये दो राउंड हो गए हमारे पॉकेट के। इसी तरह से हमें 10 राउंड या 11 राउंड बना लेंगे। अभी ये राउंड में हमें जो ये गैप छोटा है इसमें डालेंगे सेम एक ही जगह 3 टाइम डबल क्रोशिया। यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, बिना चेन के ही नेक्स्ट में डाल लेंगे। अभी हमें चेन नहीं लेनी है, बीच में गैप नहीं रखना है जिससे ये गहरी बनेगी पॉकेट हमारी। कंटिन्यू ऐसे हमें 10 या 11 राउंड बना लेने हैं। देखिए तो ये देखिए हमने टोटल 11 राउंड किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पॉकेट हमारी बन गई है। आपको लेंथ में चाहिए तो एक दो राउंड और ले सकते हैं। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच करके इस तरफ ले आएंगे यहाँ तक। ये हम इसके साइड से करेंगे ताकि इधर उधर भी नहीं हो और इधर भी इसके साइड से करेंगे तो अंदाजा रहेगा बराबर बराबर का। तो ये देखिए स्लिप स्टिच हम इस तरह से करेंगे। ये हमें जिस लाइन में लेना है वहाँ पर ले लेंगे पहले ताकि आगे पीछे नहीं हो पाए। इस वाली लाइन में लेना है 1 2 3 4 फोर वाली में, और ये भी थोड़ा टाइट रखना है। और ये हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इसका। हम नेक्स्ट में डाल लेंगे। ये थोड़ा आराम से डालना पड़ेगा इस तरह से, नीचे वाला पार्ट भी आना चाहिए नहीं तो ऊपर ऊपर आके रह जाएगा। इस तरह से हम चारों तरफ स्लिप स्टिच कर लेंगे या फिर इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे सीधा करके फिर ये धागा लेके निकाल के इसमें डाल लें फिर नेक्स्ट वाले में धागा लेके ऊपर से
तो ये देखिए ये एक चेन सी बनती आएगी, और इस तरह से हमें तीनों तरफ कर लेंगे, इधर से भी कर ले जाएंगे फिर इधर जाके कर लेंगे। देखिए फ्रेंड स्लिप स्टिच हो गई हमारी, बहुत अच्छे से हुई है। पॉकेट हमारी लग गई है, अब हम इसके ऊपर ये वाला डिजाइन डालेंगे। तो एक हम बना के दिखाते हैं आपको किस तरह से डालेंगे। यहीं से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस वाले में डाल लेंगे। आप जितना लेंथ में लेना चाहें ले सकते हैं, मैं यहाँ पर डालूंगी और यहीं पे सेम एक जगह 7 टाइम बना लूंगी। 3, 4, 5, 6, 7 और इसे इतने जितना इधर गैप था इतने गैप पर जोड़ दूंगी, यहाँ जोड़ देंगे। यहीं से नेक्स्ट ले लेंगे जितने गैप पर लेना हो, तो ये दिखेगा इस तरह से। तो इस तरह पूरी पॉकेट पर बना लेंगे। फिर हम हैंगर पर ऊन लपेटेंगे, ये देखिए हैंगर पर ऊन बांध लेंगे अब हम पूरे पर अच्छे से। देख लेंगे फेविकोल से चिपकते, फेविकोल से चिपका सकते हैं, ग्लू गन से या गांठ बांध के भी स्टार्टिंग कर सकते हैं पीछे की साइड। तरह से गठान लगा लेंगे, और भी इस पे पूरे पर इस तरह से लिपट लेंगे। ये हमने फोल्ड फोल्ड किए, इससे थोड़ी फटाफट से हो जाएगी। इस तरह से पूरे पर लपेट लें, इसके ऊपर भी लपेट लेंगे। तो ये देखिए एंगल हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें इसे स्टिच करना है इस पर। तो ये थोड़ा ऊपर से स्टिच करेंगे इस तरह से, यहाँ बैक साइड में स्टिच कर लेंगे सुई से। इस तरह से स्टिच कर लेंगे, ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे पूरा। ये देखिए स्टिचिंग हो गई। अभी हम इसके लिए थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, इसकी थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए हमने ये रोज फ्लावर लिया है, ये लीफ लिया है, ये देखिए यहाँ पर हमें ये लगा दिया। एक इधर लगा देंगे, स्टिच कर लेंगे इसे भी, और एक बीच में लगा देंगे। ये रोज फ्लावर बनाने हमने अपने वीडियो में डाला हुआ है बना के चैनल पर, उसके लिंक से हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये मैंगो लीफ है, ये भी हमने बना के डाला हुआ है, तो ये आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक रोज फ्लावर बीच में लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा तैयार है बनके। नीचे हमने एक बैंगल लगाई कपड़े के लिए, तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन और ये हैंगर का यूज़ पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं।